नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है, जो हमारे प्यारे बहन भाई दोस्त जो भी कमेंट कर रहे हैं उन कमेंट के विषय में वीडियो बनाई जाती है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, आप किस विषय में जानना चाहते हो। जो कि इन्होंने एक कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा कमेंट है, जो कि हम कमेंट पढ़ के देखते हैं और क्या क्या चीज़ मैंने इसके अंदर सभी चीज़ डिटेल में और बारीकी से बताई गई है। जो इसके अंदर क्या क्या खाना है, मटेरियल है, वारदाना है, बर्तन है, सभी चीज़ गैस सिलेंडर है या जो भी आइटम इसके अंदर लगने वाला है, वो मैंने सभी डिटेल से बताया, ताकि एक एक चीज़ का मैंने अलग अलग पैसा या पेमेंट बताई है, ताकि वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो कि अब हम पढ़ के देखते हैं भाई साहब का जो सवाल है, वो सवाल पढ़ते हैं। भाई जी, जागरण करवाना है, जागरण के लिए मैंने 300 लोगों का खाना बनवाना है, ठीक है। खाने में मिक्स वेज, शाही पनीर और दाल मखनी, छोले, पूरी पूरी और पुदीना रायता, बूंदी रायता, ठीक है, बूंदी रायता, चावल और सलाद, सलादे देनी है। इसका एस्टिमेट बताए, कुल कितना एस्टिमेट बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल लगा मैंने इनका। जो कोई और हमारे दोस्त बहन भाई देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एक एक चीज़ हम विधि पूर्वक डिटेल से जानते हैं। जो कि मान सकते हैं हम इसके अंदर 300 लोगों के लिए मिक्स वेज की बात करते हैं, जैसे कि लगभग मिक्स वेज सब्जी है, लगभग 25 से 30 किलो सब्जी लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने 25 से 30 किलो सब्जी लगाने हैं, जैसे कि हम देखते हैं भाई, हमने बताऊँ होते हैं, चूचू बैंगन होते हैं, जो कि 2 किलो बैंगन कर दिए हैं और 5 किलो गाजर कर दी है और आलू कर दिए हैं 3 किलो और 2 किलो भिंडी कर दी है और फूल गोभी कर दिए मैंने 10 किलो। जो कि इसका डंखल होता है, अड़ंगा होता है, वो निकालने के बाद में लगभग आधी गोभी बच जाएगी वो, ठीक है। और 3 किलो मैंने टिंडा कर दिया है, 2 किलो घिया कर दी है और शिमला मिर्ची 2 किलो कर दी है और 2 किलो मशरूम कर दी है और सेम फली 2 किलो कर दी है। लगभग ये आइटम बना करके हम देखते हैं, लगभग 10 आइटम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके अलावा मटर भी डाल सकते हो आप, पनीर भी डाल सकते हो, छोले भी डाल सकते हो और भाई 10, 15, 14, 12 आइटम कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर ऐड। लगभग जो मैंने यहाँ पर आइटम लिया है 30 से 33 किलो आइटम हो गया है इसका, अड़ंगा या डंखल निकल के 20-25 किलो लगभग बच जाएगा ये आइटम, ठीक है। 25-30 किलो जो आइटम है हुआ है, 33 किलो आइटम हुआ है, वो मैंने 80 रुपये का प्राइस लगा लिया है, ठीक है। जो कि कई चीज़ ऐसी है, गाजर है जैसे कि बताऊँ है 40 से 50 रुपये, 40 रुपये मिल जाती है, या आलू है 20 से 25 रुपये मिल जाता है, ठीक है। या कई आइटम जैसे कि सेम फली है या मशरूम है, ये 150-200 रुपये, 250 रुपये किलो मिलते हैं आपको। जैसे कई चीज़ हमने कैलकुलेट करके मैक्सिमम जो भाव था मैंने 80 रुपये का कैलकुलेट करके लगा लिया है, ठीक है। मीडियम साइज का भाव जो 80 रुपये भाव लगाया, तो जो मिक्स वेज सब्जी का हमारा जो कुल प्राइस हुआ 2600 रुपये, ठीक है। मिक्स वेज सब्जी का 2600 रुपये प्राइस हो गया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, शाही पनीर बोली थी इन्होंने, ठीक है। शाही पनीर मान के चलते हैं मैक्सिमम 18 kg, 18 से 20 किलो पनीर लगने वाला है यहाँ पर हमारा, ठीक है। 18 से 20 किलो पनीर लगता है, तो इसके अंदर हम मटर नहीं डालते हैं, एकला पनीर ही डलता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम 350 रुपये का भाव लगाया पनीर का। जो भी आपके पास भाव चल रहा है वो सेलेक्ट कर लेना। 20 किलो पनीर का भाव 350 से लगाया, तो लगभग 7000 रुपये हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये 7000 रुपये हो गए हमारे। और इसके अलावा राजमा, राजमा यहाँ पर मैंने 1 किलो राजमा लगा लिया है और साबुत उड़द की दाल, जो कि ये तीसरी सब्जी है हमारी, जो कि दाल मखनी, ठीक है, इन्होंने दाल मखनी बोली थी, दाल मखनी, जो कि 1 किलो राजमा लगा लिया, 1 किलो साबुत उड़द की दाल लगा ली है। ये लगभग 100 से 110 रुपये, 20 रुपये में मिल जाएंगे 1-1 किलो, ठीक है। मैंने ये भाव लगा लिया है। 1 किलो क्रीम लग जाएगी यहाँ पर और 1 kg मावा लगने वाला है और 5 किलो दूध लग जाएगा।
जो हमारे हलवाई भाई होते हैं उनके अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीका होता है दाल मखनी बनाने का या सब्जी बनाने का। जो और भाई होता है कई बार दूध भी नहीं डालते या क्रीम डालता है या कोई आइटम घटा देता है, कोई बढ़ा देता है। ठीक है, लगभग मैंने ये चीज़ें लगा करके देखी है। और छोले लगाए मैंने यहाँ पर 3 किलो, ठीक है, जो कि एक छोले की सब्जी बताई इन्होंने। ठीक है, ये टोटल चीज़ मैंने यहाँ पर लगा ली, सब्जी दाल छोले, जो कि 1100 रुपये टोटल हमारा अमाउंट बन गया है, जो कि राजमार छोले की सब्जी का। ठीक है, और तीसरे नंबर, जो कि 4 नंबर बात करते हैं हम यहाँ पर, 5 नंबर हो गई हमारी रायता। रायता लिखा हुआ है इन्होंने, रायता का मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया है, जो कि लगभग यहाँ पर रायता है 80 किलो रायता लगने वाला है 300 लोगों के लिए। ठीक है, 80 किलो हमारा रायता लगता है, तो लगभग हमने तीन टीन दही के कर दिए हैं। तीन टीन दही के है तो एक टीन 15 किलो का होता है। ठीक है, लगभग 750 रुपये से लेकर के 800 रुपये का प्राइस होता है एक टीन दही का। ठीक है, एक टीन दही का मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, 8 3 24, 2400 रुपये दही के हो गए हैं हमारे पास। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पुदीना भी कर दिया है 500 ग्राम, इसका भी मैंने प्राइस लगा लिया है। और 1 kg, 1 किलो जो बेसन होता है, 1 किलो बेसन की आप बूंदी बनवा सकते हो, बूंदी का रायता बोला था इन्होंने, पुदीना बूंदी का रायता। ठीक है, पुदीना आप थोड़ा पीस के डाल सकते हो या फिर बूंदी में घुलवा करके बनवा सकते हो, उससे तेल में स्माइल हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 किलो बेसन की भुजिया का 200 रुपये प्राइस लगा लिया है। ठीक है, घी का भी हो गया इसके अंदर और बेसन का भी आ गया, 200 रुपये लगा लिया है। लगभग 40 से 50 किलो अपनी लस्सी करनी होगी। ठीक है, लस्सी यहाँ पे कर लेना। और 1/4 यानी कि जो बर्फ़ की सिल्ली होती है, उससे चौथा हिस्से की यहाँ पर हमारी बर्फ़ लगने वाली है, चौथे हिस्से की हमारी बर्फ़ हो जाएगी। ठीक है, टोटल रायता का हमारा खर्चा हुआ है 2600 रुपये। ठीक है, 2600 रुपये रायता खर्चा हो गया हमारा। मैंने यहाँ पर बताया था मिक्स वेज सब्जी का 2600 रुपये। ठीक है, 2600 रुपये टोटल हमारा अमाउंट हो गया है। और 7000 रुपये हमारा शाही पनीर की सब्जी का अमाउंट हो गया है। और 1100 रुपये हमारे छोले की और दाल मखनी का प्राइस हो गया है यहाँ पर, जो कि ये चीज़ मोटे मोटे आइटम बता रहा हूँ आपको मैं। इसके अलावा हमने जो मसाले हैं या छोटा मोटा आइटम, मसाला, जीरा, जो भी आइटम है वो अलग से बताऊँगा आपको। ठीक है, ये जो चावल है, चावल लगभग 12 किलो चावल लगने वाले हैं यहाँ पर हमारे। 12 किलो चावल लगभग 90 से 100 रुपये में आपने 1 किलो चावल मिल जाएंगे। ठीक है, 1200 रुपये मैंने इसका भाव लगा लिया है, 12 किलो चावल का 1200 रुपये। ठीक है, 100 के प्राइस से। अब बात करते हैं हम सलाद की। लगभग सलादे हमारी 10 किलो टमाटर लगने वाले हैं यहाँ पर, 10 किलो प्याज कर दिए मैंने यहाँ पर, और 20 किलो मूली कर दी है मैंने, और 1 किलो नींबू कर दिया है, और 2 किलो चकुंदर कर दी है, और 1 kg हरी मिर्ची कर दी है। ठीक है, और 10 किलो खीरा कर दिया है मैंने। ठीक है, ये चीज़ें मिला करके लगभग 1800 रुपये हमारा सलाद का टोटल एस्टिमेट हो गया है। ठीक है, पेन कापी लेकर के आप एक एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। सलाद का 300 लोगों में 1800 रुपये खर्चा हो गया, और चावल का 1200 रुपये, और जो रायता है उसका 2600 रुपये खर्चा हुआ है, और शाही पनीर की सब्जी 7000 रुपये हो गया है, और मिक्स वेज सब्जी का 2600 रुपये खर्चा हो गया है, और 1100 रुपये मैंने मखनी दाल और छोले का खर्चा लगा लिया है। ये चीज़ करने के बाद में यहाँ पर दही और चावल और सलाद, ये सारी चीज़ें मैंने जोड़ करके यहाँ पर टोटल अमाउंट बना दिया है, दही और चावल 5500 रुपये। ठीक है, जिसके अंदर दही और चावल रायता, ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर जोड़े हैं, 5000 रुपये, 500 रुपये खर्चा हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसके अलावा किरियाना का सामान। ठीक है, जो किरियाना का सामान है हमारा टोटल, जैसे कि 5 किलो देसी घी लगने वाला है। ठीक है, 5 किलो देसी घी, जो कि हम सब्जियों के अंदर यूज करने वाले हैं, सब्जियां जो हमारी सब्जियां बनेंगी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे हम, जैसे कि मटन शाही पनीर की सब्जी है, या फिर मखनी दाल है, या फिर भाई
इसके अंदर जो भी आइटम है सब्जियों के अंदर लगाने के लिए 5 किलो हमने देसी घी कर दिया है, और 5 किलो सरसों का तेल कर दिया है, 2 टिन रिफाइंड के कर दिया, जिसमें हम सब्जी फ्राई भी कर लेंगे और बना भी लेंगे, ठीक है। और 5 किलो मैदा कर दिया हमने, जो कि पूड़ियों में डालने के लिए, ठीक है, पूड़ी में डाल सकते हैं हम। और 100 ग्राम पीला रंग कर दिया है मैंने यहाँ पर, 20 ग्राम लाल रंग कर दिया है, ठीक है। और 200 ग्राम सोडा कर दिया है, जो कि हमारे जो सोडा जो छोले की सब्जी है, छोले को थोड़ा गलाने के लिए, ठीक है। और 1 किलो काजू कर दिया है मैंने यहाँ पर, चावल के अंदर डालने के लिए, या फिर आप सब्जी में भी डाल सकते हो, ठीक है। और 250 ग्राम किशमिश कर दी है जो चावल में डालने के लिए, और 500 ग्राम लाल मिर्ची कर दी है, 500 ग्राम हल्दी कर दी है, और 200 ग्राम अजवाइन कर दी है, और 50 ग्राम तेज पत्ता कर दिया है, 50 ग्राम लौंग कर दी है, और 40 ग्राम जायफल कर दिया है मैंने यहाँ पर, और 50 ग्राम जावित्री कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा 500 ग्राम काला नमक कर दिया है, और 4 किलो सफ़ेद नमक कर दिया है, और 50 ग्राम बड़ी इलायची कर दी है, और 40 ग्राम हींग कर दी है मैंने, और 3 पैकेट देगी मिर्च, जो कि सब्जियों में डालने के लिए, ठीक है, 1 पैकेट चना मसाला सब्जी में डालने के लिए, और 2 पैकेट किचन किंग, ठीक है, सब्जी के लिए, 1 पैकेट मीट मसाला सब्जी के लिए। जो एक खास बात है वो आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है, वो ध्यान से देखना आपने। 2 पैकेट रायता मसाला कर दिया है मैंने यहाँ पर, और 6 पैकेट कस्तूरी मेथी कर दी है सब्जी पूड़ी सब के अंदर डालने के लिए, 6 पैकेट जो कस्तूरी मेथी करी है मैंने यहाँ पर, जो 1 पैकेट 25 ग्राम का आता है और 25 रुपये का आता है, ठीक है। और 500 ग्राम मैंने जीरा कर दिया है, और 500 ग्राम मिश्री दाना कर दिया है, और 100 ग्राम सौंफ कर दी है, ठीक है। एक टमाटर सॉस की बोतल कर दी है सब्जी में डालने के लिए, और 5 किलो वॉशिंग पाउडर यानी कि सर्फ कर दिया है मैंने, ठीक है, जो बर्तन भांडे धोने के लिए, ठीक है। और 2 चक्कू कर दिए मैंने, 2 छिल्लर कर दिए हैं, और 100 ग्राम भुना हुआ जीरा कर दिया है, और रायता गिलास जो कि 1000 पीस लग जाएंगे, ठीक है। और रायता गिलास के अलावा जो चाय पानी बनाते हैं, तो 500 गिलास मैंने यहाँ पर चाय पानी के लिए कर दिया है, 250 ग्राम चाय पत्ती कर दी है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद में जो किरियाना का सामान होगा हमारा, टोटल 12,000 रुपये किरियाना का सामान बन जाता है, ठीक है। 12,000 रुपये हमारा किरियाना का सामान बन जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं बारदाने की, जो कि इसके अंदर बर्तन भांडे जो हमारे लगने वाले हैं, ठीक है। 2 दरी या फिर पल्ली, जो कि सब्जी सब्जी रखने के लिए या सब्जी काटा पिटी करने के लिए, 2 दरी हो या पल्ली हो, ठीक है, या जिसे हम जाजम भी बोल सकते हैं। और 1 मैद सनमाइका पूड़ियाँ बेलने के लिए, ठीक है। और 1 कढ़ाई चिकनी, ठीक है, और 1 कढ़ाई मिठ्ठी, जो कि चिकनी कढ़ाई के अंदर हम पूरी निकालेंगे, और जो मिठ्ठी कढ़ाई होती है उसके अंदर हम सब्जियाँ बनाएंगे, ठीक है। और 15 पतीले लगने वाले हैं यहाँ पर, और 15 पतीले का ढक्कन भी होना चाहिए, जो कि हमारी सब्जियाँ होगी वो उघाड़ी ना रहे, ताकि हम ढक सकें, ठीक है। और 4 चूल्हे, जो गैस सिलेंडर के चूल्हे होते हैं, 4 चूल्हे की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 1 केजी अखबार की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और 10 सूती धोती, जो कि पुराने कपड़े हो उनको, ताकि हम अच्छी तरह से मार सके, पतीले पकड़ सके, साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें, ठीक है। और 100 ईंट है, जो कि भट्टी बनाने के लिए 100 ईंट लग जाएंगे यहाँ पर, और यदि ईंट ना हो तो स्टैंड होने चाहिए भट्टी के लिए, ठीक है। 5 परात कर दिए मैंने यहाँ पर, आटा लगाने के लिए या फिर जलेबी जलूबी बनाने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। उसके अलावा बात करते हैं हम सब्जी की, सब्जी इसके अंदर क्या क्या लगने वाले, जो कि मैंने मैंने आइटम बता दिया था। इसके अलावा जो सब्जियाँ में आती है हमारी, 30 किलो टमाटर, जो कि सब्जी में डालने के लिए, 20 किलो प्याज, जो कि मेन पॉइंट यहाँ पर था। आपने एक बात बोली थी, हमारा हमने जागरण करवाना है, जागरण के अंदर ये आइटम बनवाने हैं। इस जागरण में यदि आप लहसुन प्याज नहीं डालना चाहते हो, तो आप प्याज को कैंसिल कर सकते हो, 30 से 35 किलो टमाटर आप डाल सकते हो सब्जी के लिए, ठीक है। मैंने 20 किलो प्याज करी है, तो प्याज को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना, जो कि
एक किलो अदरक करी है मैंने यहाँ पर, एक किलो लहसुन करी है। लहसुन और प्याज को आप काट सकते हो यदि आप नहीं डलवाना चाहते हो तुम। और एक किलो धनिया कर दिया है मैंने, एक किलो हरी मिर्ची कर दी है, जो कि सब्जी में टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है 2000 रुपये। इसके अलावा बात करने वाले हम गैस सिलेंडर की, ठीक है, 4 गैस सिलेंडर लग जाएंगे यहाँ पर और एक बर्फ़ की चिल्ली, ठीक है। यदि गर्मी का टाइम है तो 4 गैस सिलेंडर, एक बर्फ़ की चिल्ली। गर्मी का टाइम नहीं है, सर्दी का टाइम है, जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हो सर्दी का टाइम है, उस टाइम पर 5 सिलेंडर बर्फ़ की चिल्ली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं, जो कि मैंने सारी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझा दिया है, जो कि मैंने यहाँ पर न ही तो टेंट का खर्चा लगाया है, ठीक है, और न ही वाटिका हो, जो आपकी वाटिका जिसके अंदर आप प्रोग्राम करते हो, न ही वाटिका का प्रोग्राम के अंदर जो पेमेंट है वो लगाई मैंने, न ही इसके अंदर हलवाई की पेमेंट लगाई है और न ही पिसाई लगाई है, जो कि हमारी जो इतनी सब्जियां बनेंगी उसके अंदर 1500 या 1000 रुपये लगभग पिसाई बन जाती है। ये चीज़ें लगा करके सारी, जो कि मैंने यहाँ पर एक एक मैं चीज़ आपको अलग से बता देता हूँ अब, जो कि सब्जी का सामान बना है हमारा टोटल 2000 रुपये, और जो कि किरियाने का सामान हो गया हमारा 12000 रुपये। 2000 और 12 हमारे 14000 रुपये हो गए हैं टोटल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो लगाया था 1100 रुपये छोले का, और जो कि राजमा जो दाल बताई थी आपने एक दाल का, ठीक है, 15000 रुपये हो गए हमारे। और 15000 रुपये हो गए तो हमारे 7000 रुपये शाही पनीर के, ठीक है, 22000 रुपये हो गए हमारे। और 250 रुपये मैंने यहाँ पर लगाए हैं मिक्स वेज सब्जी के, ठीक है, 22 और 24 25000 रुपये हो गए हमारे, ठीक है। 25000 के अलावा हमें 5500 रायता का और सलाद का मैंने यहाँ पर लगा लिया है, दही का, ठीक है, लगभग 31000 रुपये टोटल अमाउंट हमारा बन चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में यदि और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, भाई आप किस विषय में जानना चाहते हो। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।